बेसिक कॉस्ट्यूम जैसे परफॉर्मेंस का होता है ताकि डांस भी फ्रीली हो सके एंड एट द सेम टाइम वो स्टेज पे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे. और उनके कुछ गानों के सजेशंस थे, कुछ मैंने दिए, तो आई थिंक ओवरऑल मेडली है जैसा कि अक्सर परफॉर्मेंसेज में होता है, तो एंटरटेनिंग एक्ट है. न्यू ईयर की बात करें तो क्या जहन में आता है जब न्यू ईयर की बात की जाए तो? जब न्यू ईयर की बात की जाए तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जहन में आते हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि ये साल कितनी जल्दी गुजर गया. तो इस साल भी कुछ ऐसा लग रहा है, 2015 बस आया और गया ऐसा लग रहा है. और बस कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएंगे और देखेंगे कि उन पे अमल कर पाए अच्छा कर पाए. अच्छा 2016 में ऐसी कोई विश है जो जिसे आप पूरी करना चाहते हो? 2016 जी, एक वेरी गुड संजय, थैंक यू. 2016 में एक आई थिंक एक कोई बिल्कुल प्रॉपर कमर्शियल फिल्म करना चाहूँगी. कैबरे कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि वो चल जाए बॉक्स ऑफिस पे. मसान हमने देखी आपकी काफी पॉपुलर की है, तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशन के कैबरे में आई थिंक हमने सुना है कुछ डांस भी आपका जी धमाकेदार हाँ होने वाला हाँ धमाकेदार तो पता नहीं डांस होने वाला है, है, तो वो किस तरह का होगा? और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बारे में दिखाऊँ थोड़ा कुछ बताइए किस तरह का किरदार होगा इनमें? बता दूँ. देखिए कैबरे कैबरे पे आधारित नहीं है, और जैसे प्रेस में आया था कि हेलेन जी की ज़िंदगी पे आधारित है, वो भी सच नहीं है. एक लड़की की कहानी है जो का जिस पे काफ़ी कुछ बीतती है, और फिर एक लव स्टोरी है उसकी और हीरो के बीच, तो वो कहानी है कैबरे की. और उसमें बैकड्रॉप और सब कुछ डांस और परफॉर्मेंस का ही है, उस तरह का. इसके अलावा अगर अगर फिल्मों की बात करें तो और कोई जॉनर है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहती है बड़े पर्दे पर? आई थिंक काफ़ी कुछ एक्सप्लोर हो रहा है, ड्रामा, रोम कॉम, थ्रिलर, इस तरह की फिल्में तो सब. अब एक्चुअली मैंने पिछले 2 साल में जितना भी काम किया है वो 2016 में आ जाएगा बाहर, तो काफ़ी बिजी होने वाला है और काफ़ी हेक्टिक भी होने वाला है. और उम्मीद है कि सब इट वर्क्स एट द बॉक्स ऑफिस. 2015 मेरे लिए बहुत अच्छा गया जैसा कि इन्होंने कहा अभी. अब 2016 आई होप 2015 से भी अच्छा जाए. रीजा जी आपका बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो नहीं, कैसे मेरा बर्थडे हो गया सम 1 20 हफ्ते पहले, 18 को था. चलिए आप कर दो, विश कर दो, बी कोई बात लेटेड बट हैप्पी बर्थडे नहीं. हैप्पी बर्थडे एनीवेज। थैंक यू और ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे न्यू ईयर के मौके पर, कोई न्यू ईयर विश, कोई सेफ्टी टिप या फिर न्यू ईयर विश? सेफ्टी टिप आई थिंक बस यही कहना चाहूँगी कि 31 तारीख को ज़्यादा दारू ना पिए, बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं है. आप पूरे साल दारू पी सकते हैं, उस दिन मत पीजिए बिकॉज सब लोग पीते हैं और बहुत गंद मचाते हैं. तो और मतलब हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से तो बहुत सारे न्यू ईयर होते हैं, हर प्रांत का अलग न्यू ईयर होता है. तो और जो हिंदू लोग हैं उनका दिवाली के बाद हो जाता है, तो आप मतलब किसी और के न्यू ईयर पे दारू पी के रोड पे नाचेंगे तो अजीब लगेगा जी क्योंकि कुछ हादसे हो जाते हैं और फिर अच्छा नहीं रहता है, पूरी दुनिया में हमारी रेपुटेशन खराब होती है. न्यू ईयर से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी है लाइक स्कूल या कॉलेज की जो आप हमें शेयर करना चाहें अपने व्यूवर्स के लिए, या इवन न्यू ईयर पे क्रिसमस मैं ज़्यादा भी चलेगा? क्रिसमस क्रिसमस की मेमोरी है, मेरी फैमिली में थोड़े क्रिश्चियंस भी हैं, तो बचपन में मैं हम सब बच्चों को सुला दिया जाता था 8-9 बजे रात को, और फिर अचानक 11 बजे फिर से हलचल होती थी. तो हम देखते सारी आंटियाँ और मामी वगैरह सब तैयार होते थे, मेकअप करते थे बिल्कुल प्रॉपरली, तो समझ नहीं आता था कि ये रात के 12 बजे कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. तो फर्स्ट आई थिंक 1 or 2 times आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. उसके बाद जब चर्च में जाते थे देखते थे सब लोग तैयार होके आए हैं, और घर में वो खास पकवान बनाना, लोगों के घर गिफ्ट्स भेजना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, और जनरली मतलब बीइंग नाइस, तो वो मुझे याद है. काफ़ी स्पेशल मेमोरीज हैं मेरी अपने कजिन्स और उनके साथ. बिल्कुल, सेंटा से कोई डिमांड करती थी या अभी भी करती हैं रिचा, सेंटा है या अगर आप बिलीव करती हैं तो? एक आई थिंक सबका एक ही सेंटा है, वो भगवान जो है हमें अपनी किस्मत और मेहनत के हिसाब से कुछ ना कुछ देता रहता है, तो ऐसी कोई खास डिमांड नहीं है. ऐसे पूछा जाए आपके लिए आप कुछ मांगना हो तो बता देना
वैसे आपने 2015 में बहुत सी फिल्में की, ऐसी कौन सी फिल्म है जो मतलब आपके सबसे करीब है, आपको जो बहुत पसंद आई? आई थिंक जिया और जिया एक ऐसी फिल्म है जो अलग है थोड़ी, बाकी सब फिल्म्स में बहुत सारा ड्रामा है ज़रूर, पर जिया और जिया दो लड़कियों की कहानी है और जो मतलब दे ट्रैवल टुगेदर, तो वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है और थोड़ी अलग है, अनोखी है। हमने फिल्म पहले बनाई थी, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई, क्वीन या यू नो विच डिड वेल ऑल्सो एट द बॉक्स ऑफिस, पर आई थिंक कल्कि और मेरा कॉम्बिनेशन भी लोगों को एक्साइट करता है, तो उसके लिए काफ़ी आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। फिल्मों की अगर हम बात करें तो कोई और ऐसा कोई ड्रीम रोल है रिचा का जो करना चाहती हैं या अभी भी? आई थिंक ये चेंज होता रहता है हर साल कुछ, मतलब जैसे पहले मुझे था कि मैं एक डांस पे आधारित फिल्म करूँ, वो आपसे बात हुई थी तब मैंने अब कैबरे कर ली, तो अब इस साल की जो परफॉर्मेंसेज होंगी उसके बेसिस पे मैं सोचूंगी कि अगले साल कुछ ऐसा नया अनोखा ट्राई करूँ। मेरी कोशिश रहती है हमेशा कुछ अलग करने की, सरबजीत में भी मैं कुछ अलग कर रही हूँ, बहुत चैलेंजिंग है और बायोपिक भी है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अब देखते हैं। आई थिंक सरबजीत की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हो चुकी है। तो अगर कुछ बताना चाहेंगे यू एंड कि अभी थोड़े दिन पहले ऐश्वर्या की पिक्चर आई थी, लीक हो गई थी। जी हाँ हाँ, तो नहीं मेरे हम लोग शूट कर रहे हैं और जान में रिज्यूम करेंगे, अभी तक शूट कर रहे थे, अब आई थिंक नए साल और उसकी एवरीबडी इज़ विद देयर फैमिलीज तो थोड़ी ब्रेक है, फिर जनवरी में रिज्यूम करेंगे। और बाकी उमंग कुमार बहुत प्रिसाइज डायरेक्टर हैं और अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत लविंग हैं, तो मुझे मज़ा आ रहा है। रिचा 2015 की ऐसी कौन, अगर आपको कहा जाए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड देना है आपको, तो कौन सी फिल्म होगी जिसे आप देना चाहेंगे 2015 की? 2015 में बहुत सारी अच्छी फिल्म्स थी, एक दम लगा के हईशा और एक फिल्म थी किला, कोर्ट और आई थिंक दो तीन रीजनल फिल्म्स। मैं अपनी फिल्म की कैसे तारीफ करूँगी, मेरी मतलब ये आई थिंक अच्छी फिल्म्स है। मैंने अभी तक बाजीराव नहीं देखी, मैं जाने वाली थी कल, मुझे चोट लग गई, तो आज जाऊंगी शायद या कल, देखती हूँ, वो देखनी है, मैंने उसकी भी बहुत तारीफ सुनी है। और आई थिंक 2015 में बहुत सारी अच्छी फिल्में आई और बहुत सारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली फिल्में भी आई, जैसे पीकू या तनु अर्जुमन, जिसमें इंडस्ट्री ने भी देखा कि औरत पे बेस्ड फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमा सकती है, तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग और ये ट्रेंड 2012 से करीब चल रहा है, तो एक अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया, मुझे बजरंगी भाईजान भी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे ऐसी फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं जो बिल्कुल कमर्शियल होती हैं बट दे हैव अ वेरी नाइस मैसेज। पिछले साल पीके आई थी और इस साल बजरंगी भाईजान, बहुत दोनों दिल को छूने वाली फिल्म्स थी, तो ये अच्छी बात है कि कमर्शियल में भी कुछ कहा जा सकता है, ये एक जिंदगी बोल रही हूँ, दिल धड़कने दो, उसमें भी बहुत सारे मैसेजेस थे, मतलब फैमिली के बारे में और एक जो एलीट क्लास के दिखावे के बारे में, और उस एलीट क्लास में होने के बावजूद औरत पे कितना प्रेशर होता है, उसकी हिपोक्रेसी और उसके मतलब उस पर जो हम सोचते हैं ना कि जो पिछड़ा वर्ग है उसी में औरत पे जिम्मेदारी होती है मर्यादा की या कुछ भी, तो मुझे लगा ये फिल्म इसलिए भी सराहनी चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि हर सोशल क्लास में कितना वो है भेदभाव औरत और आदमी के बीच। वुमेन और ओरिएंटेड फिल्में जैसा कि आपने कहा या बायोपिक भी फिल्म का टाइम चल रहा है, हाँ, तो ऐसी कोई डिमांड करती है कि हम इन फ्यूचर आपको भी देखेंगे इस तरह से, कोई इस तरह से दमदार? मैं सोच रही हूँ किस पे बनाई जाए बायोपिक, किस औरत पे बन सकती है जो बहुत ही या तो इंटरेस्टिंग हो या कंट्रोवर्शियल हो या कुछ इस तरह का जिस पे बन पाए, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी और मुझे लगता है मैं कर भी सकती हूँ। तो जी बिल्कुल, हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देती हूँ, एक हिंदी में दे देती हूँ एक इंग्लिश में, ठीक है? सभी श्रोताओं को क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इंग्लिश में।
विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. थोड़ा आगे जो टाइम दिया उसको मैं 2 मिनट हाँ मैम थोड़ा सा रख लेते मैम सामने यो यो मैम रिचर्ड मैम सामने एकदम रिचर्ड यहाँ पर नहीं रिचर्ड स्ट्रेट यस वन मोर ईयर सामने होल्ड